मास्टर सुसु, ऐसे ही करते रहो। मिस क्रिस्टी, आज की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी सच में। वाह, क्या हम किसी की तैयारी कर रहे हैं? तुम एक जासूस हो और तुम एक खतरनाक क्रिमिनल को रोकने की ट्रेनिंग ले रहे हो। इस औरत का इससे क्या लेना देना? ये एक स्कैमर है, लोगों को चूना लगाकर उनका पैसा हड़प लेती है। हमने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा है। हमें उसे पकड़ना ही होगा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। मुझे तुम पर यकीन है। हमें जरूरी डेटा चाहिए, जैसे कि वो कहाँ रहती है। अभी तक तो हम बस यही जानते हैं कि वो बेहद अनाड़ी और मूर्ख है। और मैं बहुत अनाड़ी हूँ, दिमाग खराब। ईवा, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हें अपना कमरा साफ करना है। मुझे अकेला छोड़ दो, अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं दूर भाग जाऊंगी। ओह, मुझे ये दरवाजा याद नहीं है। मैं सिर्फ अनाड़ी ही नहीं, बेवकूफ भी हूँ। ईवा, तुम कहाँ हो? तो तुम स्टोरेज रूम में छुपी हो। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ हो तुम ईवा? अब मैं क्या करूंगी? ईवा, चलो पकड़ो उसे। अरे, ये वही अनाड़ी क्रिमिनल है। पकड़ सको तो पकड़ लो लूजर्स। देख लेंगे, सुपर स्पीड ऑन करो। फिर से बेहोश हो गई। ये तुमने कैसे किया? ऐसे, तुम्हें भी दिखाओ। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे बांध लोगी? रुको, हिलना मत। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी गन। मैं कहाँ हूँ? वाह, गन। क्या? गोली मत चलाना, मैं हार मानती हूँ। तुम क्या, यहाँ क्या चल रहा है? तुम कौन हो? हाँ, क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया? ये तो बहुत अजीब बात है। वाओ, मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट हैं, वो बोनस के हकदार हैं। चलो जल्दी चलो। तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ये कौन है? अकेडमी में अजनबी क्या कर रही है? मिसेस क्रिस्टी, ये वही है जिसने क्रिमिनल को पकड़ा था। ये लड़की पोर्टल से बाहर आई और इसने हमारी मदद की। क्या, पोर्टल से बाहर आई? क्या बात है, क्या लग गया है? क्या तुम लोग पागल हो? क्या एक मेंटल हॉस्पिटल है? मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। तुम अब स्पाई अकेडमी में हो। मिलती हूँ मैं। हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, प्रिंसिपल की बात सुनो। ओह, ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। सुन रही हूँ मैं। देखो, तुम्हारे यहाँ आने का एक मकसद है, और अगर पोर्टल तुम्हें यहाँ लाया और तुमने क्रिमिनल को पकड़ लिया तो इसका मतलब तुम्हारे पास स्पाई स्किल्स हैं। स्पाई स्किल्स? हाँ बिल्कुल, हाँ। और इसके अलावा, क्योंकि अब तुम हमारे बारे में जान गई हो, इसलिए तुम हमेशा यही रहोगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं। हमें तो उसकी कैसे मदद करनी होगी। हाँ, इसे बचाओ, मुझे इस लड़की की जरूरत है। मुझे यकीन है हमारी मदद कर सकती है। मैं बचाती हूँ। अरे आराम से, इसके जागने से पहले इसे एक सूट पहनाना पड़ेगा। तो चलो, आज हम अपनी नई स्टूडेंट ईवा का स्वागत करेंगे। मेरे साथ क्या हुआ है? और ये मैंने क्या पहना है? अब तुम हम में से एक हो। नहीं, ये तो डिजास्टर है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या तुम दुनिया को बचाना नहीं चाहती? मुझे पता है, लंबे समय से तुम्हारा यही सपना है। और तुम मेरा मन पढ़ सकती हो या क्या? तो चलो आगे बढ़ो, इस पेपर पर साइन करो और काम पे लगो। वो तो मेरे पास पेन भी नहीं है। ईवा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। हद है, अगर तुम साइको का ग्रुप हुए और असली जासूस ना हुए तो हो गया। अब तुम ऑफिशियली एक जासूस हो। ओप्स। अरे नहीं, ये तो फिर से बेहोश हो गई। जैक, तुम उसे गैजेट पेन कैसे दे सकते हो? उसे नहीं पता इसका यूज कैसे करना है। अरे यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओहो,
अर्जेंट स्पाई मीटिंग आई है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, तब तक ईवा को जिंदा करो। ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरी बेटी गायब है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? गुड आफ्टरनून मैम, क्या आपने पुलिस बुलाई थी? क्या हो गया बताओ? मेरी बेटी के साथ मेरा झगड़ा हुआ और वो भाग गई। ठीक है, मुझे फोटो चाहिए, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे हम, आप परेशान हो, ठीक है? चुप रहो। शुक्रिया। ये रही मेरी बेटी ईवा की फोटो। अगर हमारे पास कोई जानकारी होगी तो हम आपको कॉल भी करेंगे, ठीक है? मेरी छोटी सी बच्ची, वादा करती हूँ हम फिर से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। शायद मुझे टीवी पर उसके लापता होने की घोषणा करनी चाहिए। हमें देखने वालों, क्या ये नया एडवर्टीजमेंट है? अभी अपने पास के स्टोर पर जाओ और मीठे कैंडीज का मीठा मजा लो। यम। अगर आप हेवनली प्लेजर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसे ट्राई करना तो बनता है। यम 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 यम। तो ये क्या किसी नए प्रकार की कैंडी है? अगर वो यहाँ होती तो मैं उन्हें अपनी लड़की के लिए जरूर खरीदती, बिल्कुल खरीदती। मैं ये करूँगी, शायद तब तक ईवा मिल जाए। दोस्तों अंदर आ जाओ। डर लग रहा है, डर लग रहा है। देख रहे हो, हमारी ईवा जिंदा और पैर भी ला रही है। अरे यार ईवा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया, सब परेशान क्यों है? अच्छा एक बात सुनो, आज तुम सब लेजर से ट्रेनिंग लोगे। यस फाइनली, मैंने ये बहुत मिस किया पता है। तो चलो काम पर लग जाओ। तुमने वो हीरा देखा? कहाँ, मुझे नहीं दिखा। वाओ, और एक असली हीरा। हाँ, तुम्हें इसे जल्द से जल्द लेना होगा। और हाँ, याद रखना लेजर रेंज को छूना मत। क्या? शुरू करो जल्दी। हाँ ये मैं कर सकती हूँ। कम ऑन ग्वेन, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुम पागल हो, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना है, उसका नहीं। मैंने ये कर दिया, ये कितना सुंदर है। केसी 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 केसी। मैंने कर दिखाया, मैं ग्वेन से भी तेज हूँ। ईवा अब तुम्हारी बारी। मैं अभी ईवा 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 ईवा। वाओ, ये तो बहुत कूल है। आ, 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 आ। इवा क्या तुम पागल हो? लगता है इसने सब बर्बाद कर दिया है। सॉरी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, ये मैंने क्या कर दिया। मैं शर्त लगा के बता सकता हूँ, वो पत्थर बहुत ही महंगा है। इवा रोना बंद करो, हीरा नकली है, ट्रेनिंग के लिए था, लेकिन तुम्हें अगली बार इससे बेहतर कोशिश करनी पड़ेगी। ये शॉकिंग है, मैं तो जासूसों के साथ हूँ। हाँ, दुनिया को बचाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। एक तरफ वैसे तो ये बहुत अच्छा है, पर दूसरी तरफ डरावना। हाँ डोनी, सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करो तुम। अरे यार मेरा फोन बंद हो गया था, मुझे सुनाई नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सेल्फिश मूर्ख हो, तुमने मुझे परेशान करने के लिए जानबूझकर इसे बंद कर दिया। कैसी, प्लीज यार शुरू मत करो। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे यार ये तो पागल है, मैंने इसके साथ डेट ही क्यों की। वाओ, क्या वो हमेशा ऐसी है? कैसी तो हमेशा से ऐसी ही थी। हम चिल करो, थोड़ा पानी पियो। हाँ लाओ दो। ओह चलो हमारे स्पाई कैफे में चले। हो तुम्हारे पास स्पाई कैफे है? हाँ बिल्कुल। वाह मुझे दिखाओ। अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो? वो वहाँ पर नहीं है यार। फिर कहाँ? ये लो तैयार हो गया। मैं ऑफिशियली शॉक्ड हूँ। हमारे कैफे में तुम्हारा स्वागत है। वाओ, वैसे यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, सचमुच जासूस है, हमें चीजों को छुपाना पड़ता है। चलो कुछ ऑर्डर करें। अरे ये कहाँ से आ गया यार? मुझे नहीं पता, कोई और स्पाइस चीज। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।
हाँ हाँ, और मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, स्वीट हिप्नोसिस। वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा जो ऐसी चीजों को खाना पसंद करेगा। हाँ, मेरी कैंडी स्वीट हिप्नोसिस सबको पागल बना रही है और मुझे मिलेंगे अरबों रुपए। तेरी इस बैग का वजन तो बहुत ज्यादा है। बस, मैं इन पैसे के बैग्स को अब और नहीं लेकर जा सकती हूँ। मैंने भी। आखिरकार बता मुझे इस बैग में क्या है। हमेशा की तरह वही। ओह, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं कितनी ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। मिसेस मिया, वैसे हमारी सैलरी कब मिलेगी? क्या सैलरी? क्या मजाक बना रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं भिखारी हो चुकी हूँ। क्या कहा, क्या मतलब है? तो ये सब क्या है? हाँ, ये असल में मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। आप हमसे चाहती क्या हो? इस एडवर्टाइजमेंट को हर जगह फैला दो, मुझे ये हर जगह चाहिए। ये लो। तो ये किस लिए है? ये स्पेशल एड है, पर तुम लोग इसे खुद मत देखना। हाँ हाँ, हम समझ गए हैं। स्वीट हिप्नोसिस एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। ये स्वीट हिप्नोसिस है। इस शानदार चॉकलेट के हर बाइट पे आप एनर्जी महसूस करेंगे। हाँ हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। स्वीट हिप्नोसिस इस दुनिया की सबसे टेस्टी चॉकलेट है। मैंने कहा था ना, ये कैंडी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। कैंडीज, कैंडीज। हे, कैसा है ये? हाँ हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ओह डियर, एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा तो पे करना होगा। मुझे और स्वीट्स दो। किसे पता था मेरा हिप्नोसिस काम करेगा और ये प्रॉफिट बना के देगा। तो इस बात का तो बिल्कुल शक ही नहीं है कि ईवा किसी कारण से हमारी एकेडमी में आई है और वो सबसे पावरफुल जासूस बनेगी। अरे, ये क्या हो रहा है? हेलो, कैसी हो क्रिस्टी? ओह हैरी, कितना टाइम हो गया तुमसे बात ही नहीं हुई। तुम सिर्फ इमरजेंसी में ही आते हो ना। चीफ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें उस क्रिमिनल मिया के बारे में सारी जानकारी दूं। मिसेस क्रिस्टी, क्या मैं आ सकता हूँ? सच, बाहर रुको, हैरी का कॉल है। ओह, तो क्या ये हमारे वही पागल मिस्टर हैरी है, हमारे चीफ? मैंने इनके बारे में काफी कुछ सुना। मैं पागल किसको बोला? तू, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। यार, हद होती है किसी बात की। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स इतने बकवास हैं। बाहर मिल बेटा तू। ओह, आप यहीं पर थे, मुझे पता नहीं था। उसे माफ कर दीजिए। तो आप मिया के बारे में क्या जानते हैं? वो कितनी खतरनाक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी ने स्वीट हिप्नोसिस कैंडीज बनाई और लोगों को उसकी पूरी आदत लगा दी। ओहो, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है। अपने सभी जासूसों को तुरंत तैयार करो। एक भी क्रिमिनल हमसे बचकर नहीं जाएगा। सिर्फ बेस्ट जासूस ही हमारी एकेडमी में है। हे ईवा, तुम्हारा ब्लास्टर कहाँ है? तुम्हें शूटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। डर लगता है, शायद हम इसे बाद में कर सकते हैं। कायर, क्रिस्टी ने तुम्हें पता नहीं कैसे स्पाई टैलेंट देख लिया। लूजर। चुप रहो, मैं ये करूँगी, लेकिन अगर ये लेजर गलती से तुम्हें लग जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे चंडू पंडू, हल्लू, तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने क्या सुना। अरे हुआ क्या है? मैंने चुपके से मिस्टर हैरी और मिस क्रिस्टी की आवाजें सुन ली। जैक, अपना मुंह बंद करो, लाइन में जाओ। सब सुनो, एक इमरजेंसी आ गई है। शहर में एक नया क्रिमिनल आ गया है। वो कैंडीज बनाती है और लोगों को हिप्नोटाइज करने वाले एडवर्टाइजमेंट फैलाती है। ओ, मैं समझ गया, तो बात ऐसी है। फिर तो हमें उसे रोकना होगा। सारा डेटा तुम्हारे पेजर पर भेजा जाएगा। लगता है कि हमारे पास सीरियस वर्ल्ड वाइड मिशन है। ओ, मैं डरी हुई हूँ, शायद तुम मेरे बिना हैंडल कर सकते हो। अरे यार ईवा, रुको जरा। खैर, ये क्या था? ईवा देखो, उदासी से काम नहीं चलेगा। डोनी, मुझे लगता है मैं इस मिशन में फेल हो जाऊंगी। मैं तो ठीक से वो ब्लास्टर भी नहीं पकड़ सकती। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। हे यू, मेरे एंड देखने वालों,
अभी अपने नजदीकी स्टोर्स पर जाओ और ये शानदार हिप्नोसिस कैंडीज खरीद लो। अगर तुम्हें हेवनली प्लेजर पाना है तो इसे ट्राई करना तो बनता है। यम 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 यम। कैंडीज। क्या? अरे इसे मत देखो तुम। वैसे वो क्या था? शायद ये वही ऐड है जिसके बारे में क्रिस्टी बात कर रही थी। कितना भयानक है ये। अरे मुझे एहसास भी नहीं हुआ। ईवा, हमें दुनिया को बचाना होगा। हमारे रिश्तेदार भी इसे देख सकते हैं और वो हो सकता है कैंडी के जाल में फंस जाए। सही कहा, हमें उन्हें चेतावनी जरूर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी स्वीट हिप्नोसिस कैंडी दुनिया में बेस्ट है। जल्दी से ऑर्डर कीजिए और जिंदगी भर के लिए खुश हो जाइए। कैंडीज कैंडीज, मुझे ये तुरंत चाहिए। मैं ये कचरा अब हरगिज नहीं बेचूंगी। मुझे बेचना है कैंडीज। परफेक्ट, अब से बस मैं बेचूंगी मजेदार बढ़िया सी कैंडीज। स्वीट हिप्नोसिस, स्वीट हिप्नोसिस। अब हमारे पास स्टोर में केवल ये कैंडीज हुआ करेंगी, समझी? ओह, तुमने तो मेरी जान बचा ली। तुम्हारा स्टोर अब मेरा फेवरेट है। हाँ, अब हे इसके पैसे दो। हाँ मुझे पता है। और ये सब मेरा हुआ। क्या सब कुछ? अरे कुछ तो छोड़ो मेरे लिए यहाँ पर। ये लो, शेयर करना अच्छा होता है। मेरे प्यारे गेस्ट, शहर के लिए ये एक महान इवेंट है और मेरे ऑक्शन में आपका स्वागत है जो कि ऑफिशियली खुल चुका है। मिया, ये कैंडी हमने स्पेशली ऑक्शन के लिए बनाई है। अब बहुत बढ़िया, तो हम शुरू करते हैं। हमारी बिडिंग शुरू हो रही है $50,000 से, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या लगता है ये सही जगह है? मुझे लगता है कैसी जैक और ग्वेन को उस फैक्ट्री में भेजा है और हमें यहाँ पर। चाल चलनी होगी और उसे बांधना होगा। चलो देखते हैं। हे, तुम इतना लेट क्यों आए हो? जल्दी से अपना नंबर ले लो और मियाँ के ऑप्शन का हिस्सा बनो। जाओ। वो है, यही मियाँ है। अरे ये तो बहुत तेज था। चलो चलो कस्टमर बनने का नाटक शुरू करते हैं फिर। चलो। $70,000 एक, $70,000 दो, दस और। ओह, ये बन गई अब $80,000। $80,000 वन। ओह माय गॉड, क्या ये 100 है? 100 डॉलर बन चुके हैं। इससे पहले वो अपना मन बदले हमें डील क्लोज करनी होगी। तुम चुप रहो, मुझे ज्यादा पता है। हम फिर से शुरू करेंगे, हम 2 लाख तक पहुंचने वाले हैं। देखो, हमें गुप्त चाल चलनी होगी और उसे बांधना होगा। ओ, समझ गई, मैं तैयार हूँ। हिलना मत, जासूस यहाँ है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे वाह, इम्प्रेसिव कहना पड़ेगा। बैम। एरियल, टायलर, पकड़ लो इन्हें अभी। जॉनी, हमें उसकी मदद करनी होगी। एक सेकंड में ब्लास्टर्स को पकड़ो। इसे पकड़ो, चलो मदद करते हैं। टायलर, यहाँ और दो हैं, पकड़ो उन्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। ईवा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? मैं बस मिया को पकड़ना चाहती थी क्योंकि मैं एक जासूस हूँ, लेकिन वो भाग गई। क्या तुम्हें पता है, पहले सोचो फिर करो। क्या टीम वर्क और स्टील्थ मोड जैसे शब्द पता है तुम्हें? हाँ, मैं लापरवाह थी, मैंने ही टास्क को गलत समझा। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। आज के बाद से तुम्हारी ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होगी। तुम एक बात जानती हो, तुम एक वाहियात स्पाई हो। तुम मुझ पर नाराज हो, है ना? हाँ, जब हमने तुम्हारे बिना काम किया तो हम मिशन में कभी फेल नहीं हुए। संभाल के यार। उसने क्रिस्टी का महंगा लैपटॉप तोड़ दिया। मुझ में आखिर प्रॉब्लम क्या है? ईवा को स्पाई एकेडमी से कौन कौन निकालना चाहता है? चलो अब सब बोलो। उसे अकेला छोड़ दो, वो बस कंफ्यूज थी। तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती क्या? तुम उसके बॉडी गार्ड हो क्या? ये उसका चपरासी है। तूने और कुछ बोला तो तू पछताएगा।
लड़कियों में डॉनी का टेस्ट खराब हो गया है। बेवकूफ। मैं तो मेगा माइंड हूँ। मुझे और भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चाहिए इस पूरी दुनिया को हिप्नोटाइज करने के लिए। टाइलर, चलो मियां से छुटकारा पाते हैं। क्या हमें इसकी जरूरत क्यों है? उसने हमें बहुत पैसे देने का वादा किया पर हमारी जेबें खाली हैं। मियां ने कहा उसके पास पैसे नहीं है तो हमें इंतजार करना होगा। मुझे और पैसे चाहिए ये बकवास चीज बनाने के लिए। एरियल, टाइलर, यहाँ आओ जल्दी। यहाँ हम सुन रहे हैं। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्लान। मैं अपना बिजनेस बढ़ाने वाली हूँ तो तुम्हें और भी लोग चाहिए होंगे। मैं समझा नहीं। जाग जाओ। मुझे मेरे टीम में और भी ज्यादा लोग चाहिए और वो भी जल्दी। अगर हम ना कर दे तो? तब तो तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम लोगों को अपनी सैलरी कभी नहीं मिलेगी। मुझे ऐसे बेवकूफ और चाहिए जो मेरी कैंडीज खाना पसंद करते हैं, वो भी अभी। हाँ बिल्कुल, मेरे पास और भी कैंडीज होंगी। स्वीट स्वीट हिप्नोसिस कैंडीज, ये स्वीट हिप्नोसिस कैंडीज, स्वीट हिप्नोसिस कैंडीज। क्या तुम सच में करना चाहती हो? हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं ये नोटिस मिसेस क्रिस्टी को दूंगी और ये एकेडमी छोड़ दूंगी। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुम्हें बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। नहीं, ये बहुत कठिन है। वैसे भी मैं कोई स्पाई मटेरियल नहीं हूँ। डोनी, यहाँ से बाहर जाओ जरा प्लीज। मिसेस क्रिस्टी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मुझे भी करनी है, बैठ जाओ। मैं ये स्पाई एकेडमी छोड़ना चाहती हूँ। मुझे पता था कि तुम यही कहने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए लाई हूँ। ये तो मेरी माँ है। ये स्वीट हिप्नोसिस कैंडी की आदी हो गई है। मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? माँ, मैंने उन्हें छोड़ दिया और वो मुसीबत में पड़ गई। अब तुम्हारे पास उन्हें बचाने और असली जासूस बनने का मौका है। हाँ, सही कहा। मुझे माँ की मदद करनी है, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। तो चलो, समय बर्बाद मत करो। हाँ, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो चलो, एक शानदार जासूस बनाती हूँ मैं। ग्वेन, शायद तुम हमें ज्वाइन करोगी। मिया को पकड़ने से पहले हम लोग बस आखिरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या मिशन पे मुझे बिल्कुल सही दिखने की जरूरत है? कैसे? चलो चले। ग्वेन का मिशन बेस्ट लिपस्टिक चुनना है। अच्छा हुआ तुम लोग चले गए, जाओ। अच्छा हुआ ये लोग चले गए। वाह, ये बहुत टेस्टी है। ये मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मैं कार्ड भूल गई। तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। अरे, तुम वापस क्यों आई? मैं लॉकर कार्ड भूल गई थी। तो ठीक है, ये लो, जाओ। तुम बहुत अजीब हो। और तुम पकाओ हो, जाओ जाओ यहाँ से। स्वीट हिप्नोसिस कितने टेस्टी है, मुझे और ऑर्डर करने पड़ेंगे सच में। वो, क्या हम ट्रेनिंग करेंगे? हाँ बिल्कुल, अंदर आओ ना। वो थोड़ा डर लग रहा तुम्हें है। तुम्हें जासूस और तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे क्या करना है? तुम्हें मेरे वार से बचना होगा। वो, 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 मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। इवा, रुको मान, बहुत अच्छा। ओ, 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 बहुत बढ़िया, प्रोग्रेस कर रही हो इवा तुम। हाँ करो, करो। मिस क्रिस्टी, क्या मैं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, दो मिनट के ब्रेक के बाद तुम भी ज्वाइन करो। बहुत बढ़िया, मैं जानता था तुम कर सकती हो। डोनी, तुम मेरा इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारी एकेडमी में भी इमरजेंसी आ गई है। मिसेस क्रिस्टी, ये देखो, मुझे ये स्वीट हिप्नोसिस का डब्बा मिला है। अरे नहीं, क्या वो मुसीबत मियां यहाँ आ गई? हद है।
सबसे अच्छी चीज है। अरे ये क्या है, हम आपको स्वीट हिप्नोसिस की अनलिमिटेड सप्लाई देना चाहते हैं। इसे हमारे ऑफिस से ले ले, ये रहा पता। ओ, मेरे पास अनलिमिटेड कैंडीज होंगी, मुझे वहाँ जाना ही होगा। क्या कर रही हो तुम? मैं और टीना इंतजार कर रहे हैं। क्या बकवास है ये, वो कहाँ भाग गई अब? कैसी, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती लेकिन हमारी दोस्त पागल हो गई है। चलो उसकी चीजें देखते हैं। अंदर आओ, देखो तकी के नीचे कुछ है। कैंडीज? हे भगवान, ये स्वीट हिप्नोसिस है। ग्वेन ने उन्हें खा लिया, अब पता चला उसके साथ क्या हो रहा है। हमें मिस क्रिस्टी को बताना होगा। मिस क्रिस्टी, रेडियो चेक। शायद वो पहले से ही जानती है। मिया, मिया ये तुम हो? बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहती हूँ और तुम मुझे अपनी कैंटी से पे कर सकती हो। सच में? और तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए? नहीं। तुम्हें रख लिया गया है अब, और ये रहा तुम्हारा बोनस। ओह स्वीट हिप्नोसिस। ओह पता नहीं था मेरी आइज का इतना इफेक्ट होगा। बॉम्बास्टिक। स्वीट हिप्नोसिस, मैं तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती हूँ। मिस मिया, हम ग्वेन को आपकी कंपनी में लाने में कामयाब हुए। कोई मुझे यहाँ लेकर नहीं आया, मैं खुद आई हूँ। लेकिन ये एक जासूस है। हाँ, हमने बिल्कुल यही प्लान बनाया था। बढ़िया, चलो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं ताकि सब के सब मेरे गुलाम बन जाएं। चलो जल्दी करो। मैं स्वीट हिप्नोसिस के लिए कुछ भी करूंगी। वो यही है। मिसेस क्रिस्टी, आपको कैसे पता चला? ग्वेन भाग चुकी है। तुम में से हर एक के पास एक चिप है जो तुम्हारी लोकेशन बताती है। सच में मेरे पास भी है? हाँ, हर किसी के पास है। तुमने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। अरे वाह, अब समझ आया आपने हमें उस पार्टी में कैसे ढूंढा। अच्छा सुनो, तो अब तुम लोगों को इस एरिया के चप्पे चप्पे को छानना होगा। क्लियर है? टोनी, ईवा तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस पर नजर रखना। अब तुम सब काम पर लग जाओ। ये डोनी उसका बेबी सिटर है क्या? एओ, तुम गई नहीं? डोनी, मुझे चिंता है, मुझे अपनी माँ को बचाना है। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो ये बेवकूफ कैंडीज खाती हैं और फिर हिप्नोटाइज हो जाती हैं। पहले हमें मिया को पकड़ना होगा, फिर हम तुम्हारी माँ के पास जाएंगे, समझी? देखो शायद वो वहाँ है। ओह, ये रही मेरी गोल्डन माइन, मेरा नया हिप्नोसिस एडवर्टाइजमेंट। मैं इसे यहीं पे छुपा देती हूँ। अब हमें फ्लैश ड्राइव दे दो। ओह स्पाइस, कितना बेवकूफ गैंग है। जो हम कहें वैसा करना, वरना तुम बहुत पछताओगी। बच्चों का सपना। ये लो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब हमें तिजोरी का कोड बताओ तुम। नहीं, तुम कभी उसे ढूंढ नहीं पाओगे, कभी नहीं। क्या आप ये कचरा इकट्ठा कर रही हो? तो हम मिया के साथ क्या करने वाले हैं? अरे ये तो एक अल्ट्रा वॉयलेट फ्लैशलाइट है। ईवा, तुमने तो कमाल कर दिया यार। लगता है इस बार मेरी बेवकूफी ने मदद की। तुम लोग उसे हाथ ही मत लगाना। 1, 7, 8, 3 हाँ, अभी एडवर्टाइजमेंट किसी का दिमाग खराब नहीं करेगा। स्वीट हिप्नोसिस, हमारा स्वर्ग। वे यहाँ है, वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। हमें सारा सामान निपटाना होगा। सुनो लड़कियों, मैं जाके उसको देखता हूँ। तो बता कैसा लगा? ये क्या था? मुझे नहीं पता। और तुम कौन हो? हे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे तो उसे ढूंढना था। ग्वेन, तुम इस कैंडीज की आदी हो गई हो। क्या क्या ये सच है? हाँ, क्या तुमने ये देखा? शर्म की बात है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिया को पकड़ना होगा। अरे चिंता मत करो, जॉनी और एवा उससे निपट रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको यहाँ फंसा दिया है और मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे मिया से और हिप्नोटाइज से सख्त नफरत है।
ईवा रुको, हमें बात करनी है कुछ। हनी मैं इंतजार करूंगी। हाँ बिल्कुल डोनी, सुन रही हूँ। तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। ईवा तुम मुझे पसंद हो, हम दोनों बहुत करीब आ गए, लेकिन अब तुमसे जुदा होने का मन नहीं है। क्या सच में? ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं शर्मिला हूँ। डोनी मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। बेब चलो टहलने चलते हैं। मैंने सुना है एक नया स्पाई कैफे खुला है। हमारा ब्रेकअप हो गया था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हमारा ब्रेकअप कब हुआ? मुझे लगा हम बस ब्रेक ले रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा और फिर बाद में मैसेज करना। एवा प्लीज रुको यार। डोनी आई लव यू। दूर हटो, तुम पागल हो क्या? हाँ तो बेटिया नए अपार्टमेंट में द्वारा स्वागत है। हाँ क्यों नहीं, क्या तुम्हें कहनी चाहिए? ओहो तो एक काम करो, मुझे यहाँ से निकाल लो और ले लो। स्वीट हिप्नोसिस। काम कर गया, बेवकूफ कहेगा। बेवकूफ, देखो आखिर मैं बाहर आ ही गई। काश ये ईवा मेरे रास्ते ना आई होती तो मेरा काम और आसान हो गया होता। कोई बात नहीं। क्या बढ़िया एडवेंचर है। समझ नहीं आ रहा डोनी के साथ क्या करूं। मुझे भी वो पसंद है, शायद मुझे स्पाई टीम को ज्वाइन करना चाहिए। मुझे तो अभी भी बहुत कुछ करना है। अरे अरे यार, मैं अभी भी इतनी अनाड़ी पता नहीं क्यों हूँ। मान लो कि स्पाई बनना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। अरे चिंता मत करो। हाँ हाँ, एक दो तीन। वो स्वीट कैंडी बनाती है और लोगों पर हिप्नोटाइज इफेक्ट डालने वाले एडवर्टाइजमेंट चलाती है। और हाँ। ये कट। उसे इस तरह परेशान मत करो, वो बस अकेली पगला पगला गई। मैं इसकी एम्बेसडर बनना चाहती हूँ। लिस्बन हम कामयाब रहे इसको। अब जाओ और काम पर लग जाओ। इन्हीं लोगों ने लूट ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने लूट ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने लूट ली ना दुपट्टा। प्यानो, 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 प्यानो।